मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले। मीठे होते आम निराले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाग छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा। मीठा होता दाग छुहारा, मीठा होता दाग छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा। मीठा होता दाग छुहारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी खारी। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। सबसे मीठे मीठे बोल। तो इस कविता में जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं वो कह रहे हैं सबसे मीठा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रेम से बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। अब इसमें देखो, मीठी चीज़ उन्होंने बताया है, खाजा, हलवा, गट्टा, आम, जामुन, गन्ना, छुहारा, शक्कर पारा और रस का बताया है, कुल्फी, रसगुल्ला। अब जो है इसके अलावा जो कविता में नहीं है, हाथ खड़ा करते जाओ और मीठी चीज़ का नाम बताओ। चलो, अविनाश, मीठी चीज़ का नाम बताओ। जलेबी, वेरी गुड। केला, वेरी गुड। पपीता, बताओ। जामुन, जामुन तो है इस कविता में ना, जामुन के अलावा बोलो। सेव, वेरी गुड। आंचल, अनार, वेरी गुड। सेव, सेव बोल दिया है। तुम दूसरा बोलो, तुम बोलो अमृता। रसगुल्ला तो है इस कविता में, रसगुल्ला के अलावा। पेड़ा, वेरी गुड। लड्डू, वेरी गुड। खाजा तो है इसमें, इस कविता में। बर्फी, वेरी गुड। और बताओ, और कौन बताएगा? पपीता, वेरी गुड। अमरूद, हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड।